पाकिस्तान के सियालकोट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई। वह 2016 में पठानकोट में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। शाहिद भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। जैश ए मोहम्मद में शाहिद नंबर 3 की हैसियत रखता था। वह नए आतंकी तैयार करता था और आत्मघाती दस्तों के लिए आतंकियों को चुनने का काम करता था। भारत में भेजे जाने वाले आतंकी दस्तों की कमान भी उसके हाथों में होती थी। 2 जनवरी 2016 में जब पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था, तब सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। जांच में पता चला कि लतीफ ने ही आतंकियों को कमान और ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला का रहने वाला शाहिद लतीफ को 12 नवंबर 1994 को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत की जेलों में 16 साल की सजा काटने के बाद 2010 में बाघा के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया। वह इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजेक करने के मामले में भी आरोपी था।